मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल से, जहाँ के राजा मुफासा हर एक को अपने घर के पास बुलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुफासा के घर एक छोटा सा बेबी पैदा हुआ है। यहाँ पर एक मंकी आकर सबको सिम्बा से मिलवाता है और बताता है कि कैसे ये आने वाले वक्तों में यहाँ का राजा बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं मुफासा के भाई स्कार को, जो कि अपने केव में बैठा था। वो एक चूहे के साथ खेल रहा था। यहाँ पर तो वो सिम्बा से भी मिलने के लिए नहीं गया था और इसी वजह से मुफासा उसके पास आता है पूछने के लिए। स्कार उसे बताता है कि मैं भूल गया था सिम्बा से मिलने के लिए, बट बेसिकली बात ये थी कि वो खुश नहीं था कि सिम्बा आने वाले वक्तों में यहाँ का राजा बनेगा, क्योंकि वो ये खुद चाहता था अपने लिए। मुफासा स्कार से कहता है कि तुम मुझे कभी धोखा मत देना और मेरा बेटा ही आने वाले वक्त में राजा बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कार वहां से चला जाता है। बाद में वही मंकी जिसने सब जानवरों से मिलवाया था सिम्बा को, वो एक ट्री के ऊपर एक छोटा सा सिम्बा का स्केच बनाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था सिम्बा के पैदा होने से। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिम्बा सुबह सुबह उठ जाता है, क्योंकि उसके डैड ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हर जगह पे घुमाऊंगा। सिम्बा अपने डैड के पास जाता है और उनको जगाता है, जिसके बाद ये दोनों एक बहुत ही बड़ी सी क्लिफ के ऊपर पहुँचते हैं। यहाँ पर मुफासा सिम्बा को सारा एरिया दिखाता है और बताता है कि ये सारा एरिया तुम्हारा होगा और तुम यहाँ पर आने वाले वक्तों में राज करोगे। दूर दूर तक जितना भी एरिया तुम्हें नजर आ रहा है, तुम्हें इसको संभालना होगा। सिम्बा को तो इन सारी बातों पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ बस उसका होगा। दूर एक बहुत ही सुनसान सा एरिया भी था, जिस पर सिम्बा जब पूछता है कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो उसके डैड उसे मना करते हैं कि बस वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें नहीं जाना। ये दोनों बाप बेटा एंजॉय कर रहे थे कि जाजू, जो कि मुफासा का सबसे लॉयल बर्ड था, वो आके उसे किसी काम के बारे में बताता है, जिसके बाद मुफासा वहाँ से जाने लगता है और जाजू से कहता है कि सिम्बा को घर वापस ले जाओ। सिम्बा घर वापस जाता है तो उसे रास्ते में स्कार मिलता है। स्कार को वो बताता है कि कैसे उसने सारा एरिया देखा है अपने डैड के साथ। स्कार उसे पूछता है कि क्या तुमने उस सुनसान एरिया को भी देख लिया, तो सिम्बा उसे बताता है कि नहीं, मेरे डैड ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। जिसके बाद स्कार कोशिश करता है कि किसी तरीके से भी सिम्बा को वहाँ पर भेजा जाए। वो सिम्बा को बताता है कि सारे बड़े तो वहाँ पर जा चुके हैं और वो कोई बच्चों के खेलने वाली जगह नहीं है और तुम तो एक बच्चे हो। इसके बाद जाजू वहाँ पर आकर सिम्बा को घर वापस लेके जाता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ खेल रहा था। यहाँ पर सिम्बा की फ्रेंड नाला भी थी, जिसके बाद वो दोनों मिलकर यहाँ से खेलने के लिए थोड़ा दूर जाते हैं। सिम्बा की मॉम उसे कहती है कि अपना ख्याल रखना, और ये दोनों खेलते खेलते काफी दूर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर मूवी में हम देखते हैं कि दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं, साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये दोनों आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर वो उस सुनसान से एरिया के बहुत करीब थे। नाला सिम्बा से कहती है कि हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस जाना चाहिए। बट सिम्बा उसे कहता है कि अब हम इस एरिया तक पहुंच ही गए हैं, तो हमें आगे भी जाना चाहिए। इसके बाद हमें कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा, और ये दोनों उस सुनसान से एरिया के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर हर जगह पर बहुत ज्यादा हड्डियाँ पड़ी थी और हर तरफ से लावा भी आ रहा था। यहाँ पर इनको लगता है जैसे कोई आवाज आ रही हो। ये दोनों बहुत ही सुनसान एरिया के अंदर जा चुके थे। यहाँ पर ये दोनों अकेले थे और ये चीज देखते हुए वहाँ पर बहुत सारे हाइनास यानी के लकड़बग्घे आ जाते हैं, साथ ही उनकी लीडर भी। वो इन दोनों को अकेला देखकर कहती है कि आज हम सिम्बा को खा जाएंगे। जिसके बाद जाजू वहाँ पर फौरन पहुँचता है और मना करता है कि ये दोनों गलती से यहाँ पर पहुँच गए हैं, इनको कोई नुकसान ना पहुँचाना, अगर इनको कुछ हुआ तो मुफासा तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। जिस पर वो सब लकड़बग्घे कहते हैं कि आज हम इनको नहीं छोड़ेंगे। जाजू उन पर अटैक करता है और इन दोनों को वहाँ से भागने को बोलता है। ये दोनों वहाँ के करीब ही एक टनल में जाकर छुप जाते हैं। वहाँ से जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो हर तरफ से लकड़बग्घे इनको घेर लेते हैं। इससे पहले कि वो सब इन पर अटैक करते, मुफासा एंड टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाता है। मुफासा उन सबको बहुत ज्यादा मारता है, जिसके बाद वो वहाँ के लीडर को कहता है कि अगर मेरे बेटे को कभी भी नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो मुफासा से माफी मांगती है और सारे वहाँ से चले जाते हैं। मुफासा नाला और सिम्बा को लेके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो जाजू से कहता है कि नाला को लेकर घर वापस जाओ, मुझे सिम्बा से कोई बात करनी है। जिसके बाद वो सिम्बा को बताता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया
किया था और तुम फिर भी यहाँ पर आ गए। सिम्बा अपने डैड से कहता है कि मैं चाहता था कि आपको प्रूव करूं कि मैं बहुत ब्रेव हूं। जिसके बाद वो बताता है कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और कभी भी नहीं देख सकता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। जिसके बाद सिम्बा अपने डैड से माफी मांगता है और ये दोनों फिर से मस्ती करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम स्कार को देखते हैं जो कि दोबारा उस एरिया में गया था हाइना से बात करने के लिए, जहां पर उनके लीडर से स्कार कहता है कि अगर तुम मुफासा और उसके बेटे को मार दो तो मैं उस सारे एरिया पे राज करूंगा, जिसके बाद तुम लोगों को जितना दिल चाहे वहां के जानवरों पर हमला करते रहना। अब ये बात सुन के हाइनास की लीडर को भी लालच आ जाती है और ये दोनों आपस में प्लान बनाते हैं कि किसी तरीके से मुफासा और सिम्बा को मार दिया जाए ताकि स्कार वहां का नया राजा बने। अब अपने प्लान के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे सिम्बा को स्कार एक अजीब सी जगह पर लेके जाता है जो कि पहाड़ के बिल्कुल बीच में थी। यहां पर सिम्बा उसे बताता है कि आपकी वजह से मुझे अपने डैड से बहुत डांट पड़ी है क्योंकि मैं उस वीरान सी जगह पर चला गया था। जिसके बाद स्कार कहता है कि कोई बात नहीं, अब ये जगह ऐसी है जहां पर तुम बहुत ज्यादा रोरिंग की आवाज निकाल सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम जितना मर्जी दिल चाहे धार सकते हो यहां पर। सिम्बा भी उसकी बात सुनता है और आवाजें निकालने लगता है और ये तो सारा का सारा स्कार का प्लान था। जिसके बाद हाइनास वहां पर बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट को लेकर आते हैं और वो सब के सब सिम्बा के पीछे भागने लगते हैं। सिम्बा उनसे भागता भागता बहुत आगे निकल जाता है। इसके साथ ही स्कार फौरन मुफासा के पास पहुंचता है और बताता है कि कैसे पहाड़ों के बीच में सिम्बा फंस गया है और वहां पर बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट हैं। ये बात सुनते साथ ही मुफासा वहां की तरफ भागता है। साजू भी उड़ता है और देखता है कि सिम्बा कहां पर है। उसे नजर आता है कि सिम्बा एक दरख्त के ऊपर चढ़ा है और बचने की कोशिश कर रहा है। साजू उसे बताता है कि तुम्हारे डैड आने वाले हैं। मुफासा वहां पर पहुंचता है और सिम्बा को वहां से निकालकर किसी तरीके से एक ऊंची जगह पर पहुंचा देता है। यहां पर मुफासा खुद भी ऊपर आने की कोशिश करते हैं। सिम्बा को बस इतना ही नजर आता है कि मुफासा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, पर जैसे ही वो ऊपर जाता है वहां से स्कार उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा को नजर आता है कि उसके डैड नीचे गिर रहे हैं। जब सारे वाइल्ड बीस्ट वहां से चले जाते हैं तो सिम्बा अपने डैड के पास पहुंचता है। वो बिल्कुल बेहोश थे। सिम्बा बहुत ज्यादा आवाज देता है कि कोई मदद को आओ, बट वहां पर उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता। सिम्बा बहुत दुखी ऐसे ही अपने डैड के साथ सो जाता है। स्कार थोड़ी देर के बाद वहां पर आता है और प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं। वो सिम्बा से कहता है कि तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से मुफासा अब जिंदा नहीं है। वो सारी बात का ब्लेम सिम्बा पे डाल रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी कि तुमने खुद ही अपने डैड को मार दिया। शायद तुम्हें यहाँ के राजा बनने की बहुत जल्दी थी। और इसके बाद सिम्बा वहां से बहुत डर जाता है। वो पूछता है कि मैं क्या करूं। जिसके बाद स्कार उसे कहता है कि तुम यहां से दूर चले जाओ। सिम्बा भी ऐसा ही करता है। वो बेचारा डर कर वहां से भागने लगता है। जिसके बाद स्कार उसके पीछे भी लकड़बगों को भगा देता है कि इसको भी जाकर मार दो। इसके बाद हम देखते हैं कि लकड़बगे सिम्बा के पीछे भाग रहे हैं। यहां पर पहाड़ का बिल्कुल एंड था। यहां पर जैसे ही सिम्बा नीचे गिरता है लकड़बगों को लगता है कि शायद वो मर गया, बट हम देखते हैं कि सिम्बा पहाड़ के नीचे छुपा हुआ था। जिसके बाद स्कार वापस जाता है सारी फैमिली के पास और बताता है कि कैसे सिम्बा और मुफासा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर उसको पता होता कि वहाँ पर मदद की जरूरत है तो वो वहाँ पर जाकर हेल्प कर देता। सारे जानवर ये सारी खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। स्कार सबसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब यहाँ का राजा बन जाऊंगा और हर चीज मैं ही हैंडल करूंगा। दूर से जाजू और वो मंकी भी ये सब देख रहे थे। उनको भी यही लगता है कि शायद सिम्बा भी मर चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिम्बा अपने घर से बहुत दूर निकल चुका है। वो एक डेजर्ट में पहुंच चुका था जहां पर थक कर वो वहीं पर सो जाता है। उसे मरा हुआ देख कर वहां पर बहुत सारे वाइल्ड बर्ड आते हैं जो कि उसे खाना चाह रहे थे। दूर से हम आते हुए एक एनिमल को देखते हैं जिसका नाम टिमोन था। उसके साथ उसका फ्रेंड पुम्बा भी था। टिमोन जब देखता है कि ये तो एक शेर का बच्चा है तो वो डर जाता है। पुम्बा उसे कहता है कि हमें चाहिए कि हम इसकी मदद करें और इसे अपने साथ मिला लें तो हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जिसके बाद वो वहाँ के सारे वाइल्ड बर्ड्स को भगा देते हैं। सिम्बा जब उठता है
तो पुम्बा उसे कहता है कि हमने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है। सिम्बा उसे कहता है कि क्या फर्क पड़ता है अगर मैं मर भी जाता, जिस पर ये दोनों हैरान होकर पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सिम्बा उन्हें अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी बताता है, जिसके बाद वो सिम्बा को कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, जिसके बाद सिम्बा भी उनके साथ चला जाता है। यहाँ पर वो एक बहुत ही खूबसूरत से फॉरेस्ट में पहुँचते हैं, जहाँ पर सिम्बा उनको बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं तो एक पूरे के पूरे हिरन को भी खा लूंगा। जिसके बाद वो दोनों बड़े परेशान होकर उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारे जैसा ही खाना खाना होगा। वहाँ के फॉरेस्ट के बाकी सारे एनिमल्स इन दोनों को कहते हैं कि तुम एक शेर के इस बच्चे को अपने साथ ले आए हो, ये हमें खा जाएगा। जिसके बाद वो सब समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सिम्बा वक्त के साथ साथ बड़ा हो जाता है और इन तीनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी तरफ हम सिम्बा के पुराने घर को देखते हैं, जहाँ पर हालात बहुत ज्यादा बदल चुके थे। लक्कड़ भगे तो खुलेआम घूम रहे थे और जिसका दिल करता था उसे खा लेते थे। दूसरी तरफ हम नाला को देखते हैं, जो कि बहुत परेशान थी। वो वहाँ पर सिम्बा की मॉम से कहती है कि अब हम यहाँ पर मजीद रह नहीं सकते, हमें कहीं और चले जाना चाहिए। सिम्बा की मॉम कहती है कि हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद यहाँ पर एक पैगाम आता है कि सिम्बा की मॉम को बुला रहा है स्कार। स्कार के पास जब वो जाती है तो स्कार उसे कहता है कि तुमने बहुत सालों पहले मुझे ठुकराकर मुफासा से शादी कर ली थी, पर अब वक्त आ गया है कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि मैं यहाँ का सही से राजा बन जाऊँ और तुम यहाँ की रानी बन जाओ, बट वो इस प्लान को नहीं मानती। अब ये सारी बात नाला भी सुन रही थी, वो बहुत दुखी हो जाती है। जिसके बाद जब रात होती है तो नाला प्लान करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी मदद बुलाने के लिए, और वो ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ सिम्बा तो फुल ऑन एंजॉय कर रहा था टिमोन और पुम्बा के साथ। वहाँ के जंगल के बाकी सारे जानवर सिम्बा से डरते थे, बट सिम्बा उनका फिर भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दफा वो खेल रहा था तो उसका एक बाल उड़ते उड़ते पानी के थ्रू पहुँच जाता है उसी मंकी के पास, जिसके साथ ही उसे समझ आ जाती है कि सिम्बा अब भी जिंदा है। अब टिमोन और पुम्बा एक जगह पर खेल रहे थे कि उन्हें कुछ आवाज आती है। यहाँ पर नाला पहुँच चुकी थी और वो इन दोनों पर हमला कर देती है। ये दोनों बहुत मुश्किलों से चीखते चिल्लाते वहाँ से भागते हैं। इससे पहले कि नाला इनको कोई नुकसान पहुँचाती, सिम्बा यहाँ पर पहुँच जाता है इनकी मदद के लिए। पहले तो सिम्बा और नाला थोड़ा लड़ते हैं, फिर इनको रियलाइज होता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नाला सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो सिम्बा से गुस्से में पूछती है कि तुम अगर जिंदा थे तो तुम वापस क्यों नहीं आए। सिम्बा उसे बताता है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर मेरी किसी को जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो नाला से कहता है कि मेरे साथ इस जगह को चेक करो, जिसके बाद वो उसे यहाँ पर घुमाता है। वो भी देखती है कि ये जगह बहुत ज्यादा प्यारी है। ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। नाला सिम्बा से कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें घर वापस आना चाहिए। वहाँ पर स्कार ने सारे लकड़ भगों के साथ मिलकर सारे हालात बहुत खराब कर दिए हैं। सिम्बा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नाला उसे कहती है कि अपनी मॉम के लिए ही वापस आ जाओ, बट सिम्बा फिर भी रेडी नहीं होता। जिसके बाद नाला उसे कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी मदद लेना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बेवकूफी की बात थी, और वो वहाँ से चली जाती है बहुत दुखी होकर। सिम्बा भी बहुत ज्यादा उदास था, वो अलग बहुत ही ज्यादा घूम रहा था कि उसे वही मंकी मिलता है। वो मंकी सिम्बा से कहता है कि तुम कौन हो। सिम्बा कहता है मैं कोई नहीं हूँ। जिसके बाद वो मंकी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है और क्या तुम्हें पता है कि मुफासा जिंदा है। सिम्बा बहुत हैरान होता है। इसके बाद वो मंकी सिम्बा को एक पानी वाले एरिया में लेकर जाता है। वहाँ पर मंकी उसे कहता है कि पानी में अपनी रिफ्लेक्शन चेक करो, क्या तुम्हें तुम्हारे डैड नजर नहीं आ रहे। सिम्बा जब पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है तो उसे अपने डैड नजर आते हैं। यहाँ पर उसे आसमान से अपने डैड की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे कहते हैं कि तुम एक शेर हो, तुम मेरे बेटे हो, और जब मैं जिंदा था तो मेरे लिए सबसे ज्यादा यही प्राउड बात थी। मत भूलो कि तुम एक राजा हो और तुम्हें जाके लोगों की मदद करनी होगी। सिम्बा को इस बात से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। यहाँ पर उसके डैड की आवाज आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, जिससे सिम्बा उसे कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाए। उसके डैड कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ सिम्बा। यहाँ पर मंकी दोबारा से सिम्बा से पूछता है कि तुम कौन हो। सिम्बा उसे कहता है कि मैं सिम्बा हूँ, मुफासा का बेटा। इसके बाद सिम्बा वहाँ से बहुत तेज भागता है हुर्राता हुआ, जहाँ पर रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है। नाला उसे देखकर बहुत खुश होती है,
जिसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं दोबारा से अपने घर पर। सिम्बा देखता है कि वहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ना तो वहाँ पर अब दरख्त बचे हैं, ना खाने के लिए कुछ, वहाँ पर तो पानी भी नहीं रहा और हर तरफ लकड़बग्घे नजर आ रहे थे। यहाँ पर जब सिम्बा पहुँचता है तो वो देखता है कि स्कार उसकी मॉम के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, जिसके बाद वहाँ पर सिम्बा आकर उसे मना करता है और कहता है कि मेरी मॉम से अब इस तरह से बात मत करना। सिम्बा की मॉम उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद स्कार थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है कि तुम वापस क्यों आए हो, क्योंकि तुमने तो अपने डैड को खुद मार दिया। सिम्बा उसे बताता है कि वो सिर्फ एक हादसा था और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर बाकी सारे शेर, जाजू और वो मंकी भी पहुँच जाते हैं सिम्बा की हेल्प के लिए। वो सब कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ स्कार और सारे लकड़बग्घे थे। स्कार तो सिम्बा के पास आता है और उसे मारने के लिए फिर से पहाड़ के कोने पर ले जाता है। यहाँ पर सिम्बा नीचे लटक जाता है। अचानक से बहुत तेज लाइटनिंग होती है और हर तरफ आग लग जाती है। स्कार सिम्बा से कहता है कि ये सब कुछ तो बहुत देखा देखा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे डैड ने भी मदद के लिए मुझे ऐसे ही पुकारा था और मैंने उनको नीचे गिरा दिया था। इस बात को सुनकर तो सिम्बा को सारी बात समझ आ जाती है कि इस सब के पीछे तो स्कार का हाथ था। ये बात बाकी सारे भी सुन लेते हैं, जिसके बाद सिम्बा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो स्कार की ही गर्दन पकड़कर ऊपर आ जाता है। इसके बाद तो स्कार की आर्मी यानी कि वो सारे लकड़बग्घों में और सिम्बा के सारे दोस्तों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, बट सिम्बा के सारे दोस्त जीत जाते हैं। इस सब को देखने के बाद स्कार वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक माउंटेन के ऊपर पहुँचता है, जिसके आगे स्कार को जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। यहाँ पर सिम्बा भी पहुँच जाता है, जिसके बाद स्कार उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझे मार दोगे, मैं तो तुम्हारे बाप का भाई हूँ, यानी कि तुम्हारा चाचा हूँ। सिम्बा उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुमने मुझे भी धोखा दिया और इन सारे लकड़बग्घों को भी धोखा दिया है। वो स्कार से कहता है कि तुम यहाँ से दूर भाग जाओ, पर स्कार यहाँ पर भी थोड़ी चालाकी दिखाता है और जमीन पे पड़ी रेत डाल देता है सिम्बा की आंख में, जिसके बाद वो यहाँ से भागने की बजाय सिम्बा को ही उल्टा मारने लगा था। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, पर एक बार फिर से सिम्बा काफी अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाता है और यहाँ पर स्कार नीचे गिरने लग जाता है। पर बजाय इसके कि सिम्बा उसे नीचे गिराता, यहाँ पर वो सारे लकड़बग्घे आते हैं और कहते हैं कि तुम हमें भी धोखा देने वाले थे। ये सारे लकड़बग्घे स्कार के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिससे सारी आग बुझ जाती है। काफी अरसे के बाद वहाँ पर फिर से बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो जाती है, जंगल बिल्कुल खूबसूरत हो जाता है। हम देखते हैं कि अब सिम्बा यहाँ का राजा है और नाला यहाँ की रानी है। इन दोनों के घर में भी एक छोटा सा बेबी होता है, जिसे वो मंकी बाकी सारे जानवरों से मिलाता है और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।